नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा राठौर। आपका स्वागत करती हूं आज तक 24 न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नगर में कई दिनों से बाइक चोरी और नगर की दुकानों पर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय था और कहीं न कहीं लोग पुलिस की सक्रियता पर उंगली उठाते नजर आ रहे थे। एक हफ्ते पहले नगर के रेशमा कनेक्शन पर चोरी हुई, जिसकी खबर हमने चैनल से चलाई थी। बता दी कि थाना प्रभारी भवानी वर्मा को ठीकरी थाने पर आए अभी 2 दिन हुए थे। वहीं SP पुनीत गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RD प्रजापति, DSP कुंदन सिंह मंडलोई के निर्देशन में टीम गठित की गई और थाना प्रभारी वर्मा ने एक हफ्ते के अंदर ही चोर गिरोह को पकड़कर उनके पास से 5 मोटरसाइकिल और रेशमा कलेक्शन से चोरी किया सामान जब्त किया। पकड़े गए 6 लोगों में 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बाकी 3 नाबालिग पाए गए, जिनको नोटिस पर छोड़ दिया गया है। बता दें कि पुलिस टीम ने थाना प्रभारी के साथ उप निरीक्षक राजेश नैयर, प्रधान आरक्षक गौरव गौतम, प्रधान आरक्षक अनार सिंह, आरक्षक अश्वनी पाटीदार, आरक्षक कमल डावर का भी सहयोग रहा। ठीकरी से जिला ब्यूरो सकील मंसूरी के साथ मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। गाड़ी चोर गैंग, देखिए कहीं समय से ठीकरी में किसी मोटरसाइकिल चोरी की गैंग की हमें खबर मिल रही थी, जिसके लिए हम लगातार गुप्त रूप से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे और साथ ही हम चेकिंग भी कर रहे थे। इसी तारतम्य में हमें 28 तारीख को 3 आरोपी एक मोटरसाइकिल पर जाते मिले, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई। मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी पूछने पर वो बता नहीं पाए। हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को चोरी करना स्वामी विवेकानंद से कॉलोनी से चोरी करना बताया। जब उनसे और दोबारा पूछताछ की गई और अच्छे से पूछताछ की गई, तो उन्होंने ठीकरी में 3 अलग अलग अपराधों में मोटरसाइकिल चोरी का और एक दुकान में तोड़कर मशरूका सामान और कैश ले जाना कबूल किया, जिसमें हमें कुल 6 अलग अलग चीज़ें, जिसमें 5 मोटरसाइकिल और दुकान से जो सामान गया था, जिसमें घड़ियाँ, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान था जो अलग अलग कीमतों के थे, कुल मिलाकर 2,12,000 के हमने बरामद की। इसमें किए कितने सदस्य थे? ये कुल 6 लोगों की गैंग थी, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग थे, जिन्हें नोटिस पे छोड़ा गया है। बाकी 3 आरोपी जो है वो न्यायालय प्रस्तुत कर जेल रवाना किए गए। सर, आगे क्या कोई और चोरी के बारे में जानकारी है, कहीं और से किसी स्थान से चोरी की? देखिए जैसे जैसे हमें सूचना मिलती जा रही है, जैसा मैंने बताया कि हम हमारे गोपनीय स्तर पे हमारी जानकारी कलेक्ट करते रहते हैं, उसी तारतम्य में हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और कस्बे से इस प्रकार की किसी भी गैंग को ऑपरेट नहीं होने देंगे और ना ही यहाँ पर किसी को इस प्रकार काम करने देंगे। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर न्यूज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।